दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है।
तीन साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है। जो रिया की शादी बन जाती है, रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। तीन साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुंचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, भूमि कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार इन्जॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की
पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी देने की कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी सनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की।
तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है, उनकी देने की कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी जगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी जगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है।
तीन साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है। जो रिया की शादी बन जाती है, रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। तीन साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक
कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है।
एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से जरूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी जगडालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की।
तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है, उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है,
कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है, उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली
शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है,
लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी जगडालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, भूमि कपाड़िया,
परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में, ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी सनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है।
तीन साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है। जो रिया की शादी बन जाती है, रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। तीन साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, भूमि कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की
पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, भूमि कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी देने की कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की।
तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon Prime Video पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Amazon Prime Video पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को Amazon Prime Video पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है,
कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है, उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली
शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुण्य प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है,
लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं।
इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी देने की कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी सनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, भूमि कपाड़िया,
परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी देने की कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी जगडालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेआसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।
2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।
दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है, उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है।
तीन साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है। जो रिया की शादी बन जाती है, रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। तीन साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ। और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है। एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है। और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। एक बार तो आप इस मूवी को ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की
पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी माँ की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों, मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इन्जॉय कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके, उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों, अगर आप भी हम तुम मूवी YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों, मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों, ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों, आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की। तो दोस्तों, इस मूवी को IMDB की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है, एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है, और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है, तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों, ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी है। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है। हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों, ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं। इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। आपको दोस्तों ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है। उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। आप इस मूवी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर आप भी हम तुम मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हम तुम मूवी के बारे में। ये किस तरह की मूवी है, कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है, कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं, जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा। और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है, तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को। तो दोस्तों ये मूवी 28 मई 2004 में रिलीज की गई रोमांस एंड कॉमेडी मूवी हम तुम, जो कि काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग मूवी है। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, एक बार तो आपको ये मूवी ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। 2004 में ये मूवी रिलीज की गई थी और आज भी इस मूवी का काफ़ी अच्छा चलन चलता आ रहा है, तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया। तो इस मूवी के डायरेक्टर हैं दोस्तों कुणाल कोहली, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग की।
तो दोस्तों इस मूवी को IMDb की तरफ से 10 में से 7 की रेटिंग दी गई है एंड जस्ट डायल ने भी 10 में से इस मूवी को 6.9 की रेटिंग दी है और रोटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को 86% तक फ्रेश बताया है। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। एंड गूगल यूजर्स ने भी दोस्तों इस मूवी को 87% तक लाइक किया है। तो आप इससे भी अनुमान लगा लीजिए कि किस तरह की मूवी है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में। इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, किरण खेर, ऋषि कपूर, बोमी कपाड़िया, परिणीता सेठ, विवेक मदान, शिल्पा मेहता, भूपेश सिंह, परजन दस्तूर, विनोद सिंह आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। तो दोस्तों ये मूवी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, एक बार तो आपको ये मूवी जरूर से ज़रूर इंजॉय करनी है, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी की कुल टाइम लेंथ है 2 घंटे 22 मिनट, जो कि कोई ज़्यादा टाइम लेंथ नहीं है, हर एक एवरेज इस मूवी की इतनी टाइम लेंथ तो होनी ही चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये मूवी आपको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिलने वाली है। आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं, इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, एक बार तो आप इस मूवी को जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, आपको दोस्तों ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आप इस मूवी को इस प्रकार इंजॉय कर लीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में। तो करण कपूर, सैफ अली खान एक कार्टूनिस्ट और स्वयंभू महिला पुरुष है, उनकी दैनिक कॉमिक जिसका नाम है हम तुम है, पुरुष महिला व्यवहार की लड़ाई की पड़ताल करती है। दिल्ली से न्यूयॉर्क जाने वाले विमान में उसकी मुलाकात रिया प्रकाश रानी मुखर्जी से होती है, जिससे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। छेड़खानी की उसकी कमज़ोर कोशिश सफल नहीं होती, लेकिन जब वे एम्स्टर्डम में रुकते हैं तो वे उसके साथ शहर घूमने के लिए सहमत हो जाती है। करण को जल्दी ही पता चल जाता है कि उसकी झगड़ालू लेकिन उचित रिया से बहुत कम समानता है, लेकिन वे हार नहीं मानेगा। वे एक अवांछित चुंबन के साथ उनके विवादास्पद समय को समाप्त करता है। क्रोधित होकर रिया ने उसे थप्पड़ मारा और भाग गई, लेकिन करण ने जोर देकर कहा कि वे फिर मिलेंगे। 6 महीने के बाद वे उसे न्यूयॉर्क में एक पार्क में देखता है और वे अपनी प्रेमिका शालिनी फनाज ट्रेडीवाला के साथ एक दृश्य बनाता है, जो रिया की बचपन की दोस्त बन जाती है, जो उनके ब्रेकअप में समाप्त होती है। 3 साल बाद करण अपनी मां की शादी की योजना बनाने में मदद कर रहा है, जो रिया की शादी बन जाती है। रिया समीर अभिषेक बच्चन से शादी कर रही है। वे फिर से झगड़ते हैं, लेकिन इस बार वे अच्छी शर्तों पर अलग हो जाते हैं। 3 साल बाद पेरिस में करण अपने पिता अर्जुन ऋषि कपूर से मिलने जाता है, तभी उसकी मुलाकात रिया से होती है। उसे रिया की माँ परमिंदर बॉबी प्रकाश किरण खेर से पता चलता है कि समीर की उनकी पहली शादी की सालगिरह के ठीक बाद एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, और वे जीवन के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण और पुनः प्राप्त करने में उसकी मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं कर सकता, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है, आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। आपको ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी, आप इस मूवी को Amazon प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर लीजिएगा। दोस्तों आज की इसी वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएँ, और नई नई मूवी की इन्फॉर्मेशन हम हमारे चैनल पर लाते रहते हैं, तो वह इन्फॉर्मेशन हम आप तक बेसानी से पहुँचा सके उसके लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।